जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर विदाई करवाया गया, जिसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने बताया कि दीवानी न्यायालय में 3 पारिवारिक न्यायालय चलता है, जिसमें निस्तारण के लिए 149 मामले गए थे, जिसमें से 28 जोड़ों की आपसी सुलह समझौते के आधार पर विदाई करवाया गया, जिसमें पति पत्नी स्वेच्छा से आकर समझौता किए, उनको सम्मान देते हुए एक दूसरे से माल्यार्पण करवाकर उपहार देकर विदाई करवाया गया। इस तरह अन्य मामलों को लेकर 88 मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा, न्यायालय हमेशा प्रयास करता है कि परिवार ना टूटे, जिसके लिए काउंसलिंग भी करवाया जाता है। 2014 के एक मामले का समझा बुझाकर विदाई करवाया गया है, जो कि तब से चल रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने कहा, सरवाइए मत आप लोग, आप लोगों को हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हम रूपेश कृति एक दूसरे को पहनाएंगे। साधना कमले को याद रखें, भाग नहीं है। ये पकड़ो इधर, देखो इधर अमित। फाइनल हमारे प्रयास किया जा रहा है। आप लोग रुक जा, मैंने पूरा इधर देखो, इधर इधर आओ, इधर आओ सलमान। चंद्रकला सुनील आ जाओ, आप आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना भैया। आप लोगों को क्या नाम है? ये आपके सौजन्य से हो, आपकी तरफ आप लोग भी आ जाइए, सबके साथ जो है सर, घर वाले भी सब जो लेने वाले आए हैं सब आ जाए। इतनी विदा नहीं कर से तो भाई जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, कुल कितने मामलों निस्तारण हुआ और कितने लोगों को जेल?
आज इस लोक अदालत में यहाँ पे तीन अदालतें चूंकि रन कर रही हैं, एक पीजेएफसी की, दो एडिशनल हैं, तो तीनों अदालतों में संयुक्त रूप से 149 मामले लगाए गए थे, जिनमें से 28 मामलों में विदाई हुई है, जिसमें पति पत्नी अपने आय स्वेच्छा से अपना समझौता किए और उनको सम्मान देते हुए माल्यार्पण करके उनको बाहर दे के उनको विदा किया गया और पूरे अन्य मामलों को जोड़ के पूरे अटकुले कुल 88 मामलों के निस्तारण किए गए। सर लगभग कितने दिनों से ये मामले लंबित थे जो कोर्ट में चल रहे हैं? एक तो ऐतिहासिक यहाँ पे एक सुलह हुई है, हमारे जज साहब बैठे हुए हैं श्री सुभाष चंद्र यादव जी, इनके न्यायालय में एक सन 2014 से मामला चल रहा था, उसमें पति जो था उसको सजा याफ्ता था, आजीवन कारावास था और मामलों में था, उसी में विदा पैसे भरण पोषण के मामले में वो जेल भी काट चुका था, मतलब कि इतना क्रिटिकल मामला था कि उसमें भी सुलह हो गई है और बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा, दोनों आए पति पत्नी विदा होके गए, उनके बड़े बच्चे भी थे, तो एक तो हम कहेंगे कि इस लोक अदालत में उसका निस्तारण होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। देखिए समाज में हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें व्यक्ति एक भले इकाई हो लेकिन परिवार जो होता है एक समाज की पूरी नींव निर्धारण का जगह होता है, जहाँ पे बच्चे या घर के सदस्य एक संस्कार के साथ जीते हैं और उसी संस्कार के साथ एक देश और समाज का निर्माण करते हैं। अगर हम एक अच्छे परिवार का सृजन करें जहाँ पे पति पत्नी में विवाद ना हो, लोगों में एक अच्छा भाईचारा हो, तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संस्कार प्राप्त होता है और एक अच्छे देश और समाज की नींव पड़ती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में जहाँ पति पत्नी के बीच में या पारिवारिक मामलों में थोड़े बहुत भी अनबन हो, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अपने सीनियर लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, शुभचिंतकों के साथ बैठकर सुलह समझौता करके प्रयास करके अपने स्तर पे ही अपने मामलों को शांत करा लेना चाहिए और न्यायालय में आने की प्रयास कम करना चाहिए और जब कोई सहारा न हो तब आने का प्रयास करना चाहिए।